चुनाव प्रचार के लिए योगी आज अलीगढ़ में थे। मैं तस्वीरें दिखाता हूं आपको, ये तस्वीरें दिखाऊंगा। ये तस्वीरें योगी की अलीगढ़ की जनसभा के दौरान की हैं। अलीगढ़ की खैर विधानसभा में उपचुनाव है और योगी ने हर मुद्दे को अपने भाषण में शामिल किया। एएमयू से लेकर कटेंगे बटेंगे और सपा से लेकर कांग्रेस तक पर योगी ने निशाना साधा। एएमयू को लेकर क्या कहा यह बताऊं, उसके पहले योगी का एक और बयान जरा सुनिए। क्या कुछ नहीं हुआ था हमारी मां बहनों के साथ में? क्या कुछ नहीं हुआ था बहन और बेटियों के साथ में? अगर इस सब के बावजूद भी गांधारी की तरह आंखों पे पट्टी बांध करके हम जाति के नाम पर बटे हुए हैं, अपने स्वार्थों में बटे हुए हैं, तो बहन और भाइयों, कटने के सिवाय हमारी दूसरी नियति नहीं हो सकती है। और मैं तो इसीलिए आपसे कहने के लिए आया हूं, बटो मत। ये बांटने वाले लोग आपके दुश्मन हैं। तो योगी ने अपनी पुरानी पिच पर शानदार पॉलिटिकल शॉट्स लगाए, पुरानी सरकारों की कानून व्यवस्था को लेकर सपा को घेरा। लेकिन एक और मुद्दा जिस पर योगी आदित्यनाथ ने खुलकर बोला, वो मुद्दा था अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का। कल सुप्रीम कोर्ट ने एएमयू के अल्पसंख्यक दर्जे पर कानूनी सुनवाई की, तो आज योगी ने उसी मुद्दे पर अपने मंच से राजनीतिक सुनवाई की। ये रिपोर्ट जरा देखिए। कल सुप्रीम कोर्ट ने एएमयू को अल्पसंख्यक दर्जा देने या ना देने पर फैसला सुनाया, तो आज योगी ने अलीगढ़ में खड़े होकर एएमयू के अल्पसंख्यक दर्जे पर सवाल उठा दिए। आज याद करिए, ये कैसे हो सकता है कि भारत के संसाधनों से चलने वाला, भारत की जनता के टैक्स से चलने वाला एक ऐसा संस्थान जो अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के लोगों को कोई आरक्षण नहीं देता है, लेकिन वहां पर मुसलमानों के 50% आरक्षण की व्यवस्था वे लोग अपने स्वयं के माध्यम से करने का प्रयास करते हैं। अलीगढ़ में योगी ने सवाल पूछा कि जनता के पैसे से बने संस्थान में आरक्षण क्यों नहीं मिलता। बहन और भाइयों, भारत का संविधान अनुसूचित जाति जनजाति को और मंडल कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर पिछड़ी जाति के लोगों को आरक्षण की सुविधा देता है, लेकिन इस सुविधा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में क्यों नहीं मिल पाती है? क्यों नहीं मिल पाती है? जब भारत का पैसा लगा है तो अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के लोगों को भी वहां आरक्षण की सुविधा का लाभ मिलना चाहिए, नौकरी में भी मिलना चाहिए और अनुसूचित जाति और पिछड़ी जाति के बच्चों को प्रवेश में भी वहां सुविधा प्राप्त होनी चाहिए। दरअसल एएमयू के अल्पसंख्यक दर्जे की वजह से ओबीसी, एससी और एसटी को वहां आरक्षण नहीं, लेकिन मुसलमानों के लिए 50% का आरक्षण है। योगी बात तो कर रहे थे एएमयू के अल्पसंख्यक दर्जे की, लेकिन उनके निशाने पर थी कांग्रेस, सपा और बीएसपी। क्यों बंद किया गया? क्योंकि कांग्रेस नहीं चाहती है, समाजवादी पार्टी नहीं चाहती है, बहुजन समाज पार्टी नहीं चाहती है, क्योंकि इन सबको वोट चाहिए, वोट, वोट बैंक को बचाने के लिए लोग आपकी भावना के साथ और राष्ट्रीय एकता अखंडता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। योगी बताना चाहते थे कि एएमयू का अल्पसंख्यक दर्जा कांग्रेस की देन है। 1967 में सुप्रीम कोर्ट ने एएमयू को अल्पसंख्यक संस्थान मानने से इनकार किया। 1981 में कांग्रेस सरकार के राज में एएमयू का अल्पसंख्यक दर्जा बहाल किया गया। कुल मिलाकर एएमयू को अल्पसंख्यक दर्जे का जिम्मेदार भी कांग्रेस को ठहरा दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।